हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिलेशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन का डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिलहाल एक एग्जाम्पल हम लोग और लगाएंगे, इसके बाद डिफरेंट टाइप के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देखने के लिए यह एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्राम यन टू यन डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए बी एलिमेंट ऑफ यन। अब देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि यह रिलेशन कैसे डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन फ्राम ए टू बी होता है, और यहाँ पे दिया गया यह रिलेशन फ्राम यन टू यन, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट यन का मेंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है, और सेकेंड कंपोनेंट भी नेचुरल नंबर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कहा गया कि दो नेचुरल नंबर का पेयर बनेगा कब, जबकि पहला दूसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ए और बी का पेयर बनेगा अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए जो है वह एक यन का मेंबर है और बी भी जो है यन का मेंबर है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन फ्रॉम यन टू यन है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस टाइप के मेंबर्स इसमें होंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। देखिए 4 2 जो है वह आर का एलिमेंट होगा। क्यों होगा? देखिए कंडीशन की बेसिस पे 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड। इसका मतलब इस रिलेशन का एक मेंबर क्या है? 4 2। और आप जानते हैं रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम यह कहते हैं कि और कोई एग्जांपल, तो आप कह सकते हैं 9 3। क्यों? क्योंकि 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और कोई एग्जांपल तो आप दे सकते हैं 16 4। क्यों? 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यह तो हो गया क्राइटेरिया क्या है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया आर द फॉलोइंग ट्रू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नीचे बातें लिखी गई हैं क्या वह ट्रू हैं। पहली बात क्या लिखा गया, अभी देखिए कहा गया ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ यन। इसका मतलब क्या है? आपको यह पूछा जा रहा है क्या हर नेचुरल नंबर खुद के साथ पेयर बना रहा है। क्या हर नेचुरल नंबर मतलब क्या? क्या 1 1 के साथ पेयर बना रहा है? क्या 2 2 के साथ पेयर बना रहा है? क्या 3 3 के साथ पेयर बना रहा है? तो हम लोगों को यह बताना है कि कहा जा रहा है कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वह खुद के साथ पेयर बना रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो क्या यह सही बात है कि इस रिलेशन में हर नेचुरल नंबर खुद के साथ पेयर बना रहा है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अब इसको देखिए, हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा है। तो पहले हमने कह दिया नो। ठीक, कहा गया कि हर नेचुरल नंबर खुद के साथ पेयर बना रहा है, तो हमने कहा कि नो। अब इसको देखिए जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए 2 नेचुरल नंबर है ना? क्या 2 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में? तो आंसर होगा नहीं। कोई कहेगा क्यों नहीं? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देखिए कंडीशन क्या है, ए का पेयर बी से बनेगा अगर ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने क्या देखा? नहीं, 2 का पेयर 2 से तो नहीं बन रहा है। क्यों? क्यों 2 नॉट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 का पेयर भी 3 से नहीं बनेगा। देखेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो यह स्टेटमेंट है वह सबके लिए सही है ऐसा नहीं है, मतलब यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ, यह ध्यान रखेंगे कुछ पर्टिकुलर के लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब कोई क्वेश्चन उठाएगा, भाई किसके लिए सही हो सकता है? तो देखिए यह सिर्फ एक पेयर के लिए सही है। क्यों? 1 1 बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सबके लिए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? नहीं, यह सभी के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल का जो दूसरा पार्ट है वह क्या कह रहा है कि अगर ए का पेयर बी से है, मतलब अगर ए का पेयर बी से है, ए बी आर का मेंबर है, तो बी ए भी आर का मेंबर होगा। तो ठीक है, अब ऐसा देखते हैं
यहीं पे हम समझ लेते हैं। देखिए फोर का पेयर टू से है, क्यों? क्योंकि फोर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर है। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि टू का भी पेयर फोर से है? तो आप सोच के बताएंगे तो देखेंगे कि टू का पेयर फोर से नहीं बनेगा, क्योंकि टू फोर के स्क्वायर के बराबर नहीं है। देख लेते हैं, देखिए तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फोर टू बिलोंग्स टू आर, क्यों? बिकॉज फोर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर, बट टू फोर डजेंट बिलोंग्स टू आर, क्यों? अब इसका रीजन देखिए, बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यह दूसरी जो बात लिखी गई है वह भी फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। यह कहा गया कि अगर ए का पेयर बी से है, बी का पेयर सी से है, तो ए का पेयर सी से होना चाहिए। अब इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या ऐसी बात है कि एक का पेयर दूसरे से है, दूसरे का पेयर तीसरे से है, तो पहले का पेयर तीसरे से होगा। देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसा नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे हमने लिया 16 और 4, तो देखिए कंटिन्यूटी में लेना है, और हमने एक नंबर लिया ऑर्डर्ड पेयर 4 2। अब यहाँ पर देखिए 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 16 और 4 का पेयर बनेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 2 का भी पेयर बन रहा है। लेकिन क्या 16 और 2 का पेयर बन रहा है R में? तो हम लोग कहेंगे नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो स्टेटमेंट का तीसरा पार्ट है वह पार्ट भी रॉन्ग है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे नो, मतलब यह करेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेंगे? यह एग्जाम्पल 16 4 एलिमेंट ऑफ R, 4 2 एलिमेंट ऑफ R। रीजन क्या देंगे? बिकॉज 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर एंड 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट 16 2 डजेंट बिलोंग्स टू R, बिकॉज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 का पेयर 4 से है, 4 का 2 से है, मतलब ऐसा तो हो रहा है, लेकिन A का C से होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि A का C से नहीं है, मतलब 16 का 2 से नहीं है, मतलब 16 2 doesn't belongs to R, क्यों? Because 16 is not equal to 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब देखिए हम लोग इस एग्जांपल में क्या सीखे कि जो रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम n टू n, क्या यह जो तीनों स्टेटमेंट है इस इन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं? तो हम लोगों ने देखा कि यह तीनों जो स्टेटमेंट है उसको यह रिलेशन फॉलो नहीं। तो देखिए अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, तो क्या कहा जा रहा है? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई आर इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए सच दैट बी ए एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स व्हेन ए बी एलिमेंट ऑफ आर। अब देखिए क्या कहा गया, ध्यान से समझिए। अगर कोई रिलेशन आर ए टू बी है तो इसका जो इनवर्स होगा वह बी टू ए होगा। मतलब अगर आर ए टू बी है तो इसका इनवर्स बी टू ए होगा। डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि अगर ए बी आर में है, जो पेयर आर में है उसका जो रिवर्स पेयर होगा वह आर इनवर्स में होगा। अब इसको देखिए कि एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक रिलेशन हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, बहुत केयरफुली इसके आप लोग रीड करेंगे। तो एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, और सपोज दैट ए में मेंबर है 1 2 3, बी में 4 5 6, और ये जो रिलेशन है 1 का पेयर 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से है। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 4 2 5
3, 6। तो अब देखिए यह जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है। अब इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा, तो यह कहा जा रहा है कि इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वह बी टू ए होगा। कैसा होगा? बी टू ए। अब बी का मेंबर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 4, 5, 6 और ए के मेंबर है 1, 2, 3। अब देखिए डेफिनेशन में कहा गया कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा। इसका मतलब क्या, 1 का पेयर 4 से बन रहा था तो यहाँ 4 का पेयर 1 से बनेगा, और 2 का 5 से बन रहा था तो यहाँ पर 5 का 2 से बनेगा, 3 का पेयर 6 से बन रहा था तो 6 का पेयर 3 से बनेगा, और इसको हम लोग कहेंगे आर इनवर्स। इसका मतलब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें 1, 4 था तो यहाँ पर 4, 1 होगा, 2, 5 था तो यहाँ पर 5, 2 होगा, 3, 6 था तो यहाँ पर 6, 3 होगा। तो देखिए अब यहाँ पे समझ पाए होंगे R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो जो इसका इनवर्स रिलेशन होगा वह फ्रॉम B टू A होगा। अगर R में AB है तो R इनवर्स में BA होगा, मतलब जो पेयर R में क्वालिफाई किया है उसका रिवर्स पेयर R इनवर्स में क्वालिफाई करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1, 4 है तो यहाँ पे क्या है 4, 1, 2, 5 है तो 5, 2, 3, 6 है तो 6, 3। तो यह होता है किसी रिलेशन के इनवर्स का मतलब। तो आप इस एग्जांपल के थ्रू यह समझ पाएँ कि किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन। देखिए तो अब हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें नंबर आएगा एम्प्टी रिलेशन का। तो देखते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू 5। तो देखिए एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें कोई भी मेंबर क्वालिफाई ना करे। अब कोई क्वेश्चन उठाएगा कि भाई यह रिलेशन ही क्यों होगा। तो देखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब है आर रिलेशन ए टू बी है, इसका मतलब आर सबसेट है ए क्लास बी का, तो 5 ही तो ए क्लास बी का सबसेट है। आप ये देख सकते हैं ना, जो 5 है वह सबसेट है किसका, ए क्लास बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो रिलेशन है, मतलब जो एम्प्टी सेट के बराबर है, यह रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेट ए है 1, 2, 3, 4 और एक सेट यहाँ पे हमने लिया है बी 2, 4, 5 और हमने एक रिलेशन यहाँ पे आर डिफाइन किया। ध्यान देंगे, इसमें कहा गया एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई एलिमेंट ऑफ बी इस अ एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, अब यह जो है एक एम्प्टी रिलेशन है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्यों एम्प्टी रिलेशन है। आर को लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्स जो है ए का मेंबर रखिए 1 रख रहे हैं ना, 11 आ रहा है, क्या बी में है, नहीं। इसका मतलब 1 का पेयर नहीं बन पाया। 2 रखेंगे 12 आ रहा है, बी में है, नहीं, तो इसका भी पेयर नहीं बन पाया। इसी तरीके से आप 3, 4 का भी पेयर नहीं बन पाया, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा यह ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी पेयर क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इस टाइप के रिलेशन को जहाँ पर एक भी पेयर क्वालिफाई ना करे उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे और उसको 5 से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब यह समझ पाए कि जो एम्प्टी रिलेशन होता है वह एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई नहीं कर पाता है। अब देखते हैं, देखिए अगला जो टर्म है
यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए यह क्या होता है, R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि जो यह रिलेशन हम लोग बात करें यूनिवर्सल रिलेशन, वह क्या है? तो कहा गया कि जो A क्रॉस B है, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें सभी ऑर्डर पेयर क्वालिफाई कर जाएं, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और रीजन आप यह समझ रहे हैं कि रिलेशन होने के लिए A क्रॉस B का सबसेट होना जरूरी है, और ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि A क्रॉस B जो है वह बिल्कुल A क्रॉस B का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B जो है वह एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, जिसमें सभी ऑर्डर पेयर क्वालिफाई करेंगे, तो इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेट ए लिया, मान लिया 1 2 है इसमें मेंबर, दूसरा सेट बी लिया जहाँ पर 3 4 है, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वह होगा क्या, 1 3 1 4 2 3 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। मतलब यह जो रिलेशन है वह बिल्कुल क्या है, A क्रॉस B ही है, और A क्रॉस B को ही हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम ऐसे रिलेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे जो रिलेशन फ्रॉम A टू A डिफाइंड हो। तो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा गया, टाइप ऑफ रिलेशन इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू A, मतलब A से A में डिफाइंड हो, और ऐसे रिलेशन को सिंपली ऑन A कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट A का होगा एंड सेकेंड कंपोनेंट भी A का होगा, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं फ्रॉम A टू A, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार। चूँकि फ्रॉम A टू A कहें, इससे बढ़िया उसको हम लोग कहते हैं ऑन A, लेकिन आप समझेंगे क्या उसको, फ्रॉम A टू A। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए, R इज अ रिलेशन रिलेशन फ्रॉम A टू A इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन रिलेशन इफ R इज इक्वल टू 5। ऐसा देखिए रिलेशन क्यों है, क्योंकि भाई 5 भी तो सबसेट है A क्रॉस A का। तो यह कहा गया कि कोई रिलेशन फ्रॉम A टू A है, तो उसको रिलेशन होने के लिए यह जरूरी है कि वह A क्रॉस A का सबसेट हो। तो 5 A क्रॉस A का सबसेट है, इसका मतलब 5 एक रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। हाँ, इस रिलेशन में खास बात क्या होगी, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, एक सेट हमने ए लिया 1 2 3, और एक हमने रिलेशन डिफाइंड किया जहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ ए। अब इस रिलेशन को देखिए, अगर हम लोग लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में, तो देखते हैं क्या होता है, 1 रखिए 6 आ रहा है, जो कि इसमें होना चाहिए ना, नहीं है, इसका मतलब 1 का पेयर नहीं बना। अब हम लोग 2 रखते हैं तो देखेंगे 2 रखेंगे 7, जो कि नहीं है ए में, इसका पेयर भी नहीं बन पाया। इस तरीके से 3 का भी पेयर नहीं बन पाएगा। क्या देख पा रहे हैं, जो कंडीशन गिवन है उसके बेसिस पर कोई भी ऑर्डर पेयर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। देखिए, एम्प्टी रिलेशन को नल रिलेशन भी कहते हैं, वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, समटाइम्स वैकेंट रिलेशन भी कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन तो देखिए यह कैसे डिफाइंड है, अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A
इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो अब देखिए हम लोग ये जान रहे हैं कि ए क्रॉस ए जो है खुद का सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा ना भाई, और यह भी जान रहे हैं डेफिनेशन से कि जो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा वह रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब अगर ए क्रॉस ए ए क्रॉस ए का सबसेट है तो वह खुद एक रिलेशन है। हाँ, इस रिलेशन में क्या होगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए रीजन यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब यह खुद का सबसेट है। इसका मतलब कि यह एक रिलेशन है, और एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर क्वालिफाई करेंगे, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक सेट ए है 1 2, और एक रिलेशन है यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं आर, देखते हैं इसमें क्या है 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसमें देखिए सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, कौन से 1 1 1 2 2 1 2 2। कहने का मतलब यह ए क्रॉस ए ही है। तो यह जो रिलेशन है जिसमें सभी पेयर क्वालिफाई कर गए हैं, इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए आज हम लोगों ने रिलेशन पर एक एग्जांपल देखा, इनवर्स रिलेशन क्या होता है वह देखा, साथ में कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशंस देखे, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब होता है, और अगर कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू ए मतलब एक सेट में डिफाइंड है, मतलब ऑन ए में डिफाइंड है, तब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए अभी रिलेशंस की और भी टाइप्स होती हैं जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया बेसिकली यह जो है क्लास 11 का सिलेबस है। अब इसके बाद जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे वह सभी टाइप्स हम लोग को क्लास 12 में मिलेंगी। अब जो हमने यह जो लेक्चर है उसमें हमने लिखा है कि यह जो 11 12 दोनों के लिए है, तो उसका रीजन है कि आप आगे वाली बात को तभी समझ पाएंगे जब यह पीछे के सभी टर्म्स क्लियर हों। तो जिसको रिलेशन में डिटेल स्टडी करना है उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप 11th के हों या 12th के हों, डिटेल स्टडी करने के लिए जो यह सीरीज है रिलेशन की उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।